A very good How are morning for you. you, ma'am? I am fine. How are you? Fine, ma'am. Fine. Very good. Yes, अभी बच्चे आ गए. No. Yes, सब आ गए हैं. अब उसे मिल सके नहीं करते. वही है. पोतीना पेटनी ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक यस सो हमारा अब तक में फर्स्ट हमारा जो सुबह मॉर्निंग में जो लेक्चर था इन दैट चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर 7 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद इन 100. Am I right? Yes. So today we will start our new chapter, multiplication. Okay. Okay. So let's start our new chapter with new energy, multiplication. So before I start multiplication, tell me where we have discussed about the brief discussion of the multiplication. हमने आपको कहां पर एक छोटा सा डिस्कशन ब्रीफ डिस्कशन किया था मल्टीप्लीकेशन का जहां पर आई टोल्ड यू कि वी विल डिस्कस इट इन अ मल्टीप्लीकेशन. मैंने आपको बोला था कि हम इसको मल्टीप्लीकेशन के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे. एक टॉपिक आया था हमारा. नो डेटा हैंडलिंग में तो हमने टेबल की बात की थी. नो पेज नंबर त्रिषा. डेटा हैंडलिंग में तो हमने टेबल की बात की थी. आपको याद होता कि एक टॉपिक था हमारा. उस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बोला भी था कि इसको हम आगे मल्टीप्लीकेशन जब मैं आपको कराऊंगी तब मैं आपको क्लियर करूंगी क्या है ये. यस एनीवन थोड़ा सा और कॉन्सेंट्रेट करके बताइए वो कौन सा टॉपिक था जहां पर हमने बोला था कि इसको डिस्कस. अभी मैंने बोला कि अभी मल्टीप्लीकेशन जब कराएंगे तब इसको मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगी. टू रिमेम्बर दैट. चलिए मैं बता देती हूँ. स्किप काउंटिंग राइट. यस वेरी गुड. स्किप काउंटिंग. इसका स्किप काउंटिंग में मैंने आपको बताया था ना बाय द स्किप काउंटिंग वी कैन अंडरस्टैंड द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट है ना. एंड दैट टाइम आई टोल्ड यू वी विल डिस्कस इट इन द चैप्टर मल्टीप्लीकेशन. याद आया सभी को. यस वेरी गुड. सो फर्स्टली टेल मी व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन होता क्या है. व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन इज टेबल. नो बट वॉट इज टेबल. अगर आपसे पूछा जाए तो वॉट इज टेबल. वॉट इज मल्टीप्लीकेशन. What is multiplication? All. What is the meaning of all? What is the meaning of all? Double. क्यों triple भी हो सकता है ना. Quarter भी हो सकता है. Arifa. Equal. Multiplication means equal. No. होता क्या है. मल्टी 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 का मतलब समझते हो. मल्टी मैनी. मैनी इज नॉट अ गुड आंसर बट यू कैन से क्वाइट गुड. क्वाइट गुड.
यस मोर बार्बर नो मैनी है वो मनी नहीं है मैनी है मैनी 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 नॉट मनी मैनी माइक नो वॉट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन नो वन नोज द मीनिंग एड सब्ट्रैक्शन देर इज नो सब्ट्रैक्शन इन द मल्टीप्लीकेशन फर्स्टली बेटा जी The meaning of the multiplication is repeated. The meaning of the multiplication is repeated addition. The meaning of the multiplication is repeated addition. ठीक है अब इसे explain करेंगे हम कि कैसे मल्टीप्लीकेशन का मतलब जो होता है वो रिपीटेड एडिशन होता है ना ठीक है क्या होता है रिपीटेड एडिशन चलिए मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले सी यहां पर आपको मैं कुछ स्कोर सिखाती हूँ बेटा बेटा ये मैं आपको कुछ स्टोर दिखाती हूँ यहाँ पर चलो नाउ क्यारा प्लीज ऑफ योर कैमरा यस ओके नाउ डू नॉट सी द कलर ऑफ द स्टोन अभी आप कलर नहीं देखेंगे स्टोन के केवल नंबर देखेंगे टेल मी द नंबर ऑफ स्टोन कितने स्टोन है ये यस टू एंड नाउ शिवांश 2 + 2, 3 होता है वेरी गुड त्रिशा ये पीछे ऐसे दिखाई नहीं दे रहा ये 2 है बेटा ये भी 2 ही है चलिए यस अच्छा सबको दिखाई नहीं दिया अभी सबको दिखाई दे रहा है ओके चलिए नाउ ओके Now, now, टेन है ना कैसे पता लगा आपको ये 10 है आपने क्या किया पहले आपके पास 2 थे आपने 2 लिखा फिर आपके पास 2 और आए आपने उसमें +2 और मिथुआ प्लीज ऑफ योर कैमरा बेटा कैमरा कोई ऑन नहीं करेगा बच्चों को नहीं दिखाई देगा वरना ऑफ योर कैमरा राइट नाउ तो यहां पर 2 स्टोन्स है देन आपने क्या किया फिर और 2 उसमें ऐड किए है ना फिर अगेन और 2 उसमें ऐड किए फिर अगेन और 2 उसमें ऐड किए एंड देन अगेन यू ऐड तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन क्या है रिपीटेड एडिशन एडिशन का रिपीट होना है ना रिपीटेड एडिशन विद इक्वल नंबर्स इक्वल नंबर ऐसा नहीं है 2 के साथ आप 3 ऐड कर रहे हो नहीं या 3 के साथ 5 ऐड कर रहे हो नहीं रिपीटेड एडिशन है यानी एडिशन को आप बार बार रिपीट कर रहे हो देखो कितनी टाइम्स आपने 5 टाइम्स एडिशन रिपीट किया और इक्वल नंबर के साथ सो वी कैन से मल्टीप्लीकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन राइट यस और नो यस ओके नाउ चलिए
नाउ टेल मी द नंबर ऑफ स्टोन. फोर. क्लियर? वेट अ मिनट. एंड नाउ यस यस एंड नाउ यस कितने होंगे अभी? यस एंड नाउ कितना हुआ अभी? आपने कैसे कैसे आपको पता चला? हाउ गुड यू नो कि ये 16 स्टोन है? आपने क्या किया? पहले 4 स्टोन एक जैसे कलर के आपने 4 किया, फिर आपने उस 4 स्टोन में और 4 प्लस किया, देन अगेन आपने 4 प्लस किया, देन अगेन आपने 4 प्लस किया, अगेन आपने एडिशन क्या किया? रिपीट किया. समझ आया सभी को? तो मल्टीप्लीकेशन इज द रिपीटेड एडिशन ऑफ इक्वल नंबर्स. ये सभी को क्लियर हुआ? यस. ठीक है. एंड मल्टीप्लीकेशन इज अ थर्ड ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स. फर्स्ट ऑपरेशन क्या है? प्लस. सेकेंड ऑपरेशन माइनस. एंड द थर्ड ऑपरेशन ऑफ थर्ड अर्थमेटिक ऑपरेशन. ठीक है. थर्ड अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स इज मल्टीप्लीकेशन. क्लियर? सो वी कैन से, एक तरह से हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन. अच्छा नाउ अब टेल मी, जब हम इसी तरह से, नाउ सी, नाउ टेल मी कि इधर रख देते हैं, जब हम इस तरह से एडिशन कर सकते हैं, जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ऐसे 50 टाइम्स में 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐड कर सकती हूँ, देन व्हाट इज द नीड ऑफ मल्टीप्लीकेशन? फिर मल्टीप्लीकेशन की क्या नीड है अगर हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं? देन व्हाट इज द नीड ऑफ मल्टीप्लीकेशन? देन व्हाट इज द नीड ऑफ मल्टीप्लीकेशन? इजी कैलकुलेट. तो वो तो वैसे भी इजी होने वाला है. 2 प्लस 2 तो 2 प्लस 2 2 प्लस 2 बहुत इजी है. 2 2 काउंट करना. नो, इजी इज नॉट अ राइट आंसर. टेबल लॉन्ग. अब इस जो आप इजी और लॉन्ग बोल रहे हो, इसको एक करेक्ट वर्ड में बताइए. अब कुछ हद तक सही जा रहे हो. लॉन्ग और इजी शॉर्ट फॉर्म. तो क्या होगा शॉर्ट फॉर्म करने से? क्या हो जाएगा मनन? यस मनन, क्यों आपको बोला जाता है आप टेबल लर्न करो जबकि आप इस तरह से एडिशन भी कर सकते हो? इजी कैलकुलेट हो जाएगा. वही मैं आपको बोल रही हूं, कैलकुलेशन इजी होना इज अ डिफरेंट थिंग, है ना. यहाँ पर हमारे पास 5 to 6 डिजिट तो है नहीं कि हम इजी. चलिए एक बार बताइए, अगर 2 को आप 10 टाइम्स अगर ऐड करते हैं वो इजी ही है, वो हार्ड नहीं है, है ना. लेकिन आप इजी और हार्ड जो बोल रहे हो उसके बीच में एक और वर्ड है. यस पुष्पेंद्र, टाइम सेविंग. एग्जैक्टली, टाइम सेविंग. यस, क्यों? बिकॉज देखिए, 2 को आप 10 टाइम्स आप ऐड करिए, इजी है उसको कैलकुलेट करना, बट कितना टाइम कंज्यूम होता है? मान लीजिए आपका कोई टेबल आया 2 5 जा आया, तो हर बार आपको 2 को 5 टाइम ऐड करना पड़ेगा, फिर 2 8 जाएगा, हर बार आपको 2 को 8 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, है ना. सो बिकॉज ऑफ फास्ट कैलकुलेशन, है ना, कैलकुलेशन हमारी जल्दी हो जाए, इसी के लिए हम टेबल लर्न करते हैं, इसी के लिए हम
मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं. सो हम एक तरह से कह सकते हैं नो पेज नंबर थे. सो नाउ लिसन द डेफिनेशन ऑफ द मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन इज अ शॉर्ट वे. मल्टीप्लीकेशन एक शॉर्ट वे है टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड एडिशन ऑफ इक्वल सेट. अगेन आई एम रिपीटिंग, मल्टीप्लीकेशन इज अ शॉर्ट वे टू फाइंड द रिजल्ट ऑफ अ रिपीटेड एडिशन ऑफ इक्वल सेट. है ना? यानी मल्टीप्लीकेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हम ये जो इक्वल नंबर का जो रिपीटेड एडिशन हो रहा है इसको शॉर्टकट में समझते हैं, एक शॉर्ट वे में समझते हैं. क्लियर सभी को? यस, इज इट क्लियर? यस और नो? ऋषि डू नॉट चैट अननेसेसरली. क्लियर बेटा सभी को? यस, ओके. देन टेल मी वेयर वी यूज मल्टीप्लीकेशन इन डेली लाइफ. अपनी डेली लाइफ में हम कहां यूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन? वेयर वी यूज मल्टीप्लीकेशन इन अवर डेली लाइफ? नाउ अवर क्वेश्चन इज शिवांश, हम अपनी डेली लाइफ में मल्टीप्लीकेशन कहां यूज करते हैं? शॉपिंग में? वेट, अपना कैमरा ऑन कर लिया करो बेटा. जब आप आंसर बताते हो ना तब अपना कैमरा भी ऑन कर लिया करो, मैं आपकी शक्ल देख पाती हूँ. यस मनन, चलिए मनन बताइए. आप अपना कैमरा ऑन करिए, मैं अपना ऑफ कर लूंगी ताकि आप. मल्टीप्लाई होता है कैसे होता है बताइए? मनी लेना होता है इसलिए. मनी लेना होता है इसलिए मल्टीप्लाई होता है, ये किसने कहा कि मनी से मल्टीप्लाई का सही कनेक्शन है? इसलिए क्या मनी देना होता है इसलिए. हाँ तो वही पूछ रही हो, कैसे यूज करते हो, यही तो पूछ रही हूँ कि मनी देना होता है लेकिन कैसे यूज करते हो बताओ. एक एग्जांपल बताओ जहाँ आप मल्टीप्लाई करते हो और फिर मल्टीप्लाई करके मनी देते हो. वो एग्जांपल बताओ जहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके मनी देते हो. चॉकलेट होती है ना, 5 रुपीज लेते हैं. दो चॉकलेट है, एक चॉकलेट कितने की है? एक चॉकलेट 4 रुपए की. चलिए 4 रुपीज की है. बेटा प्लीज बी इन अ डिसिप्लिन मनन, बी इन अ डिसिप्लिन बच्चा. सबसे पहले स्ट्रेट और अच्छे से बैठिए, ठीक है? और शॉपिंग करना मनन कोई शर्माने वाली बात नहीं है. आप शॉपिंग करते हो कितना शर्मा रहे हो? शॉपिंग करना कोई शर्माने वाली बात होती है मनन? तो आप क्यों इतना शर्मा रहे हो? यस, आप मुझे बताइए, एक चॉकलेट आपने बोला 5. ओके टेल मी, एक चॉकलेट आपने बोला 5 रुपीज की होती है. क्लियर मनन? अब आप दो चॉकलेट परचेज करने गए, कितने रुपीज देंगे आप उसको? 10 रुपीज. कैसे पता आपको? मल्टीप्लाई किया या एडिशन किया? एडिशन. तो फिर कहां से मल्टीप्लाई किया आपने? आप तो बोल रहे हो कि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मनी जब एक्सचेंज करता हूँ. तो सारी रीते जवाब दे, हूँ नहीं को. हाँ मम्मा नहीं बोलेगी, आप अपने आप समझो, अपना कैमरा ऑन करो, अपने आप समझो कि क्या कहना चाह रहे हैं हम. आपने कहा आपको कुछ एडिशन, सी आपने बोला कि मैं एडिशन एडिशन, तो आप तो एडिशन करके चॉकलेट ले रहे हो. फिर मनी की बेटा मल्टीप्लाई की कहाँ से बात? बोल सुसन जय, बोल. यस मनन, अब मेरी बात सुनिए.
आपने जब टू चॉकलेट्स ली तो आपने एडिशन भी कर सकते थे, आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे, है ना। आप फाइव टू जा करोगे तो 10 भी आएगा, और 5 + 5 करोगे तो भी 10 आएगा। लेकिन जब यही चॉकलेट आपको 50 अमाउंट में लेनी होगी, लगभग 30-40 काउंट लेनी होगी, तो क्या आप एडिशन करने बैठोगे? ना। तब आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई। समझ आया अभी आपको? यस। ठीक है, चलिए और बताइए। ओके, नाउ कीप योर कैमरा ऑफ। अब मैं अपना ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि जब मेरा कैमरा ऑन रहता है ना, आप लोग नहीं दिखते हो, आप बच्चे नहीं दिखते हो, इसलिए मैं अपना कैमरा ऑफ कर लेती हूँ जब आप लोग जवाब दे रहे हैं तो। यस, चलिए इसके अलावा कुछ नया बताइए बेटा, आप चैट बॉक्स में बताइए, अगर मुझे कुछ अच्छा लगेगा तो ही मैं आपसे पूछूंगी। देखिए शॉपिंग ऑलरेडी हो चुका है, शॉपिंग के अलावा दिव्यानी बा, शिवांश प्लीज राइट इन अ चैट बॉक्स। शॉपिंग के अलावा बहुत सारी जगह मल्टीप्लीकेशन यूज होता है, डू यू नो दैट। मनी ऑब्वियस है, शॉपिंग मनी से ही होगी रुषित, बिना मनी के तो हमें कोई देने वाला है नहीं, है ना। यस, एनीवन? किसी को कोई आइडिया नहीं? आपको पता है आप कितनी जगह मल्टीप्लीकेशन यूज करते हो? हाउ मेनी टाइम्स यू यूज मल्टीप्लीकेशन? चार भी? नो आइडिया। वॉट इज दिव्यानी बाब, हमें क्या सेंड कर रहे हो, हमें नहीं पता चल रहा बेटा। चलिए दिव्यानी बाब गोहिल, मी नहीं करोगे बेटा, वही मनी बोलोगे आप। आपको अगर कुछ है नया तो आप चैट बॉक्स में डालिए, नहीं तो फिर मैं बताऊं आप लोगों को। वेट अ मिनट, स्कूल बस बैंक, एक मिनट शिवांश, हम दिव्यानी बाब से पूछ के आपसे पूछते हैं। यस दिव्यानी बाब। यस मैम। कहाँ पे यूज करते हो आप? हम स्कूल में करते हैं। कैसे? स्कूल में। कहाँ करते हो मल्टीप्लिकेशन यूज स्कूल में? हम हॉस्पिटल में करते हैं। अच्छा, कैसे करते हैं हॉस्पिटल में, बताइए कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन यूज? पैसे देने के लिए। अगेन कैसे? तो पैसे देने के लिए कैसे यूज किया, मुझे एक एग्जांपल बताओगे? इसलिए मैंने बोला था चैट बॉक्स में लिखिए, कुछ अच्छा आंसर होगा तो हम डेफिनेटली करेंगे उसमें। यस शिवांश। यस मैम। बताइए बेटा, आप स्कूल बैंक में कुछ बोल रहे हैं, स्कूल बस बैंक में, आप एक तो बस में आपकी बैंक है, और वो कैसे यूज कर रहे हो आप बताओ। यस, अलग लिखा था। अच्छा, स्कूल में, बस में, बैंक में, तो कैसे यूज करोगे तीनों में, एक एक करके फटाफट जल्दी जल्दी बताओ, एग्जांपल बताओ जल्दी जल्दी। सॉरी, वन मिनट। हाँ, वन मिनट, टू मिनट लीजिए आप, लेकिन प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट आंसर बेटा। किसी और को भी बेटा, कितनी जगह आप मल्टीप्लीकेशन यूज कर रहे हो, यू नेवर नो, और एक भी नहीं बता पा रहे हो आप। ऐसा ये सेक्शन से नहीं था। यस बेटा, चलिए शिवांश का वन मिनट आई थिंक हो जाएगा, जब तक शिवांश नहीं आता मैं अब आपको बताती हूँ। अभी सबका हो गया, किसी के पास नया कुछ नहीं है? चिल्ड्रन स्कूल में शेयरिंग में कैसे यूज होता है पुष्पेंद्र? अभी स्कूल में, चिल्ड्रन स्कूल में तो चिल्ड्रन क्या करते हैं स्कूल में, भाई मुझे बताओ तो सही, कैसे वहां पे मल्टीप्लीकेशन यूज होता है? आप सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे, मुझे कुछ नया लगेगा तभी मैं आपको म्यूट करूंगी, अनम्यूट करूंगी। यस, किसी का सही जवाब नहीं आया। सी, आप मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले, आपको समझ आ रहा हो तो, यूज करते हो अपने बर्थडे पे। आपकी बर्थडे पार्टी बिना मल्टीप्लीकेशन के पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जिस दिन आपका बर्थडे होता है
है ना, दैट डे यू टोल्ड टू योर मॉम दैट मम्मा आई वॉन्ट टू गिव चॉकलेट है ना इन माई क्लास, बोलते हो ना, तो मम्मा का पहला क्वेश्चन क्या होता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, हाउ मेनी टीचर्स इन योर स्कूल, यस और नो, ये बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन मम्मा का यही होता है कि आपकी क्लास में कितने टीचर्स हैं आपके स्कूल में, और आपके स्कूल में कितने क्लास में कितने बच्चे, स्कूल नहीं क्लास में कितने बच्चे, सबका यही क्वेश्चन होता है पहला, एवरी मॉम्स फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास एंड हाउ मेनी टीचर्स इन योर स्कूल, यस और नो, है ना, यहीं से आप देखिए यहीं से मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, फिर आप मम्मा को बताते हो कि मम्मा मेरी क्लास में, मान लीजिए अभी हम क्लास, अभी हम छोटी क्लास मान के चल रहे हैं क्योंकि हम बिग टेबल नहीं करेंगे, अभी स्मॉल टेबल करेंगे, मान लीजिए आपकी क्लास में 5 चिल्ड्रन, इसे इसलिए हम घर की बर्थडे पार्टी बना लेते हैं क्योंकि क्लास में 5 चिल्ड्रन होना तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है, तो मान लीजिए आपकी बर्थडे पार्टी और उसमें से 5 फ्रेंड्स आए आपकी, ठीक है, अब आपको हर एक फ्रेंड को 2-2 चॉकलेट्स देनी है, हर एक फ्रेंड को 2-2 चॉकलेट्स देनी है, तो टोटल कितनी चॉकलेट आप मार्केट से परचेज करोगे, यस, कितनी चॉकलेट आप मार्केट से परचेज करोगे, ऑफकोर्स ये रहे आपके फ्रेंड्स, सब एक हाइट के नहीं बनाते, कोई बड़ा बना देते हैं कोई छोटू बना देते हैं, ये रहे आपके फ्रेंड्स, अब दोनों हर फ्रेंड्स को आपको 2-2 चॉकलेट देनी है ना, ये सारे फ्रेंड एक जैसे नहीं है ना, देखो कोई बड़ा कोई छोटा कैसा भी बना देते हैं ना, चलिए तो टोटल आपको कितनी चॉकलेट चाहिए, 10 चॉकलेट चाहिए, कैसे पता किया आपने, आपने 2 को 5 टाइम रिपीट किया, 2+2+2+2+2, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि हाउ मेनी बर्थडे कैप यू रिक्वायर्ड, बर्थडे कैप कितनी चाहिए आपको, ऑब्वियस ये हर बच्चे के पास एक ही हेड होगा तो बर्थडे कैप तो एक ही होगी है ना, वो तो हम दो दो नहीं दे सकते, तो अब कितनी चाहिए बच्चों को, बर्थडे कैप कितनी लेके आओगे आप, यस 5 लेके आओगे, शिवांश हर एक बच्चे पे एक बर्थडे कैप लगेगी, सी 5 बर्थडे कैप लेके, बर्थडे कैप लेके आओगे आप शिवांश, यस क्लियर, यस है ना, अब सपोज ठीक है, अब सपोज अब आप बच्चों को रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं है ना, अब आप बच्चों को रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं, रिटर्न गिफ्ट होता है ना जब आप किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हो तो जो ऑर्गेनाइज करता है पार्टी वो भी आपको गिफ्ट देता है ना, उसको बोलते हैं रिटर्न गिफ्ट, तो अब रिटर्न गिफ्ट के अंदर आप हर बच्चे को 5 पेंसिल्स का एक पैकेट देते हो, हर बच्चे को 5 पेंसिल का एक पैकेट देते हो, और टोटल कितने पैकेट, टोटल कितनी पेंसिल्स दोगे आप, टोटल कितनी पेंसिल्स दोगे आप, रुषित 50, क्यों रुषित 25 और कहां जाएंगी बेटा आपकी, यस आई एम सेइंग कि अगर आप हर बच्चे को रिटर्न गिफ्ट में 5 पेंसिल का एक बॉक्स देते हो, ठीक है, हर बच्चे को रिटर्न गिफ्ट में 5 पेंसिल का एक बॉक्स देते हो, तो ओवरऑल कितनी पेंसिल्स आप दे दोगे बच्चों को, यस कैसे किया आपने, अगेन आपने रिपीटेड एडिशन किया, 5 इसको भी 5 इसको भी 5 इसको भी 5 और इसको भी 5 प्लस करो, आंसर क्या आ जाएगा, 25, क्लियर समझ आया सभी को, यस समझ आया सभी को, अब ये दिमाग से बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि कहां पर
दिव्यानी वाह बेटा आपने कुछ नहीं किया जब आपने फाइव फाइव पेंसिल, इसको भी फाइव पेंसिल दी, इसको भी फाइव, इसको भी फाइव, इसको भी फाइव और इसको भी फाइव, सबको ऐड करोगे तो देखो फाइव प्लस फाइव टेन, प्लस फाइव फिफ्टीन, प्लस फाइव ट्वेंटी एंड प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव, है ना? समझ आया सभी को? अब क्लियर है व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड वेयर वी यूज मल्टीप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ. समझ आया सभी को? फटाफट चैट बॉक्स में लिखेंगे बेटा. यस, ठीक है. तो आज आपका ये मल्टीप्लीकेशन का चैप्टर था जिसमें अभी आज कोई होमवर्क नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझो, है ना? आज इंट्रोडक्शन क्या था और इससे रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे. एक्टिविटी देखिए बहुत अच्छी एक्टिविटी होगी इससे. जैसे मान लो आप एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो और आप ऐसे बोल सकते हो, टुडे आई एम ऑर्गेनाइज द बर्थडे पार्टी फॉर फाइव मेंबर्स, फॉर टू मेंबर्स, है ना? फॉर दिस आई वॉन्ट टू गिव टू चॉकलेट फॉर ईच पर्सन. तो टोटल कितनी चॉकलेट दोगे आप? टू प्लस टू फोर. ऐसे ही आप उन्हें कैप डिवाइड कर सकते हो. फिर ऐसे जैसे इस तरह से एक स्टोरी बनाकर एक बहुत अच्छे मल्टीप्लीकेशन की एक्टिविटी आप दे सकते हो. समझ आया? या मैंने जैसे स्टोन अभी अलग अलग कलर के जो स्टोन कलेक्ट किए थे उसको आप बता सकते हो कि मल्टीप्लीकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन ऑफ इक्वल नंबर एंड हेयर आई विल एक्सप्लेन इट. उसे आप उस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो. क्लियर बेटा? स्ट्रॉ ले सकते हो, स्ट्रॉ के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हो. बट सी वीडियो जो है तभी एक्सेप्ट करूंगी जब आप क्लियर जो हमारा जो आप कह सकते हैं कि जो हमारा एम है वो प्रॉपर, जो हम समझाना चाह रहे हैं वो प्रॉपर बच्चों तक पहुंचे. क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग मैं क्या कह रही हूँ. आप अलग अलग ब्लॉग्स बना सकते हो, इस तरह की स्टोरी बनाकर भी आप मल्टीप्लीकेशन को अच्छे से समझा सकते हैं. क्लियर बेटा? तो आज होमवर्क नहीं है, इंट्रोडक्शन है और आपकी एक्टिविटी है ताकि आप मल्टीप्लीकेशन को अच्छे से समझ सके. क्लियर? तो आज आप जस्ट क्लास वर्क रिवाइज करेंगे. ओके एवरीवन? यस. ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय एवरीवन. बाय मैम. बाय बेटा. Bye. Bye.